कृषि कानून के खिलाफ छतरपुर में कांग्रेस पार्टी ने ट्रैक्टर रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कृषि कानून के विरोध में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह रैली में शामिल हुए। कांग्रेस की रैली सुनियोजित तरीके से शहर के चारों ओर से आई थी, जिसमें कांग्रेसी विधायक नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इस दौरान छत्रसाल चौक पर ट्रैक्टर रैली सभा में बदल गई थी और सभा में सभी कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और एमपी के शिवराज सिंह सरकार पर किसानों के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कांग्रेसी प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर के ना मिलने पर कांग्रेसी नेताओं ने कलेक्ट्रेट में ही धरना दे दिया और रघुपति राघव राजा राम के भजन गाने लगे, जिसके बाद कलेक्टर के आने पर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज यहां पर प्रदर्शन था, कल मुरैना में है और पूरे प्रदेश में अनेक साथी लोग हिंदुस्तान के किसानों के लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में है। ये तीनों कानून वापस हो इसके पक्ष में। गेट में हम लोग बैठे इसलिए कि कलेक्टर साहब थे नहीं, तो धरने बैठ गए। धरना था ही, धरने बैठ गए, कलेक्टर साहब आ गए, धरने से उठ गए, हमने ज्ञापन दे दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।